तो कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अपने कमरे में जोरों शोरों से रोमांस कर रहे थे। तभी उनका बेटा वहां आ जाता है और उनको अपने हाथ में एक मरा हुआ चूहा दिखता है। ये देख के उसके पिता उसे वहां से ले जाने लगते हैं और उसकी माँ भी शॉक में आ गई थी। जिसके बाद अगले सीन में हम एक बोट को देखते हैं जहाँ लॉरा अपने पति ग्रेग और अपने बेटे के साथ थी। लॉरा ग्रेग से काम करते हुए बातें कर रही थी, लेकिन ग्रेग उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था और जब उसे किसी का कॉल आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। तभी लॉरा के पास एलियट नाम का एक आदमी आता है और उसका काम में हाथ बटाने लगता है, और ये जानते हुए कि लॉरा शादीशुदा है वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और लॉरा भी उसे कुछ नहीं कहती। तभी लॉरा का बेटा जेमी पानी में गिर जाता है और लॉरा को इम्प्रेस करने के लिए एलियट जल्दी से पानी में कूद के उसकी जान बचा लेता है। ये देख के ग्रेग उसका शुक्रिया करता है और लॉरा एलियट को उनके साथ लंच करने इनवाइट करती है। जिसके बाद जब वो सब लोग लंच कर रहे थे तो यहाँ लॉरा की दोस्त मीरा के मन में एलियट को देख के लड्डू फूटने लगते हैं और वो उसकी तारीफ करने लगती है। जिसके बाद जब एलियट ग्रेग और लॉरा किचन में थे तो यहाँ एलियट लॉरा की पेंटिंग देख के उसकी तारीफ करने लगता है, जहाँ लॉरा उसे बताती है कि उसे पेंटिंग्स करने का बहुत शौक है, लेकिन हाल ही में ग्रेग ने उसके पेंटिंग स्टूडियो को अपने ऑफिस में बदल दिया। तभी ग्रेग फोन पे अपनी सेक्रेटरी से बात करते हुए उससे फ्लर्ट करता है और ये एलियट को थोड़ा अजीब लगता है। जिसके बाद जब वो सब टेबल पर लंच करने बैठते हैं तो यहाँ एलियट उनको उनके घर के रेनोवेशन के लिए कुछ आइडिया देता है जो लॉरा और ग्रेग को काफी पसंद भी आता है। जिसके बाद अगले दिन जब लॉरा मीरा के साथ जॉगिंग कर रही थी तो यहाँ भी मीरा एलियट की ही बात करे जा रही थी। जहाँ जब लॉरा वापस घर आती है तो वो एलियट को उनके बैकयार्ड में बिना शर्ट के देखती है, और जब वो उसके पास जाती है तो एलियट उनके घर के प्लांट्स उसे दिखाने लगता है, लेकिन लॉरा की नजर तो उसकी बॉडी पर ही थी। और जब लॉरा वहाँ से जाने लगती है तो एलियट भी उसकी बॉडी को देखता है। जिसके बाद जब लॉरा बाथरूम में नहा रही थी तो एलियट चुपके से वहाँ आके उसे देखने लगता है और फिर वो दोनों एक जगह शॉपिंग करने जाते हैं, जहाँ एलियट लॉरा के साथ काफी फ्लर्ट कर रहा था और वो भी एलियट को फुल भाव दे रही थी। इसके कुछ देर बाद जब मीरा लॉरा के घर आती है तो वहाँ एलियट को बिना शर्ट के देखती है और ये देख के वो उसकी फिर तारीफ करने लगती है और उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन एलियट कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जिसके बाद जब लॉरा एलियट के साथ ग्रेग की बोट में जाती है तो वहाँ उसे एक लड़की का अंडरवियर मिलता है और ये देख के उसका शक याकिन में बदल जाता है कि ग्रेग उसे धोखा दे रहा है। यहाँ एलियट भी मौके पर चौका मारता है और लॉरा से कहने लगता है कि तुम्हें ग्रेग को छोड़ देना चाहिए। जिसके बाद जब लॉरा वहाँ से चली जाती है तो हम एलियट को उसकी माँ की तस्वीर के साथ देखते हैं और वो रो रहा था। उसके बाद रात में जब लॉरा ग्रेग से पूछती है कल तुम कहाँ थे, तो ग्रेग उसे बताता है कि मैं मेरी सेक्रेटरी के साथ कुछ काम कर रहा था। ये सुन के लॉरा को उस पे और भी गुस्सा आता है और जब ग्रेग उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो लॉरा उसे मना करती है और कहती है कि मैं थक गई हूँ। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि एलियट ने उनके घर के रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया था और जब लॉरा उसके पास आती है तो देखती है कि जेमी एलियट के साथ खुश था, जो उसे अच्छा लगता है। जिसके बाद जब लॉरा नहा रही थी तो एलियट उसके पास आता है और वहाँ उसके सामने अपने कपड़े उतार के लॉरा के साथ नहाते हुए उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, जिसमें लॉरा को भी काफी मजा आ रहा था। जिसके बाद अगले दिन जब लॉरा अपनी बोट की तरफ जा रही थी तो वहाँ पास ही मैं एक कपल रोमांस कर रहा था, जिनको देख के ग्रेग कहता है कि आज के बच्चे कहीं भी शुरू हो जाते हैं। ये देख के लॉरा का शक गायब हो जाता है कि हो ना हो वो अंडरवियर इसी कपल का होगा, जहां उसे अपनी गलती का एहसास होता है और यहां ग्रेग भी उसे प्यार से गले लगा लेता है। ये सब देख के लॉरा कुछ देर बाद एलियट के पास आती है और उससे कहती है कि कल जो हुआ वो एक गलती थी और अब हमारे रिश्ते को खत्म करना होगा, लेकिन एलियट उसे अपनी बातों में बहलाने लगता है और उसके करीब आने लगता है, जहां लॉरा भी उसकी बातों में आ जाती है और यहां एक बार फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। जिसके बाद रात में हम देखते हैं कि एलियट लॉरा और ग्रेग की तस्वीर देख रहा था और उनमें ग्रेग की जगह अपनी तस्वीर लगा रहा था। अगले दिन लॉरा का जन्मदिन था, इसलिए एलियट उसके लिए उसके पसंदीदा फूल लाता है। ये देख के ग्रेग को थोड़ी हैरानी
करनी होती है कि आखिर इसे लॉरा की पसंद का कैसे पता। जहाँ जब ग्रेग ऑफिस चला जाता है तो लॉरा एलियट के पास जाके उस पे गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और यहाँ वो उनके रिश्ते को खत्म कर देती है और एलियट को नौकरी से भी निकाल देती है। इसके कुछ देर बाद जब लॉरा जेमी के साथ वापस घर आती है तो देखती है कि एलियट चला गया था, लेकिन हम देखते हैं कि वो छिप के उसे देख रहा था। जिसके बाद जब लॉरा तैयार होके मीरा के साथ उसकी पार्टी में जा रही थी तो बाहर आते ही ग्रेग और उसके दोस्त उसे एक सरप्राइज देते हैं जिससे वो काफी खुश हो जाती है। यहाँ ग्रेग की सेक्रेटरी हीना लॉरा के पास आती है और उसे बताती है कि ग्रेग इस पार्टी की काफी दिनों से तैयारी कर रहा था और उसने भी उसकी काफी मदद की थी। ये सुन के लॉरा राहत की सांस लेती है कि ग्रेग हीना के साथ बस इस काम के लिए था। तभी वहाँ एलियट भी आ जाता है, लेकिन जब वो ग्रेग को लॉरा के करीब देखता है तो उसे जलन होती है और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मीरा के साथ हीना को भी एलियट पसंद आता है और पूरी पार्टी के दौरान वो उससे बात करती है, लेकिन एलियट उनमें से किसी को भी भाव नहीं देता। लेकिन जब वो उस पार्टी के खत्म होने के बाद वहाँ से जा रहा था तो हीना उसके साथ आने को कहती है, और जब वो एलियट की एक नहीं सुनती तो मजबूरी में एलियट उसे अपने साथ बोट पे ले जाता है। एक तरफ हम लॉरा और ग्रेग को देखते हैं जहाँ लॉरा ग्रेग को सच्चाई बताने का फैसला करती है, लेकिन ग्रेग उसकी बात नहीं सुनता और लॉरा की तारीफ करने लगता है और फिर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एलियट हीना के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और हीना तो पहले से ही तैयार थी, लेकिन हीना को उसके साथ कुछ खास मजा नहीं आता। और जब वो वहाँ से जा रही थी तो उसकी नज़र लॉरा की एक तस्वीर पे जाती है जिसे देख के वो समझ जाती है कि क्यों एलियट उसे भाव नहीं दे रहा था, कि तभी पीछे से एलियट उस पे हमला कर देता है और हीना को मार डालता है। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले जब ग्रेग लॉरा के साथ रोमांस कर रहा था तो उन दोनों को साथ में इतना खुश देख के एलियट को जलन होने लगती है और वो लॉरा के लिए पागल हो रहा था, जिसके बाद ग्रेग ऑफिस चला जाता है। और जब पानी भरने के बाद लॉरा पाइप को अंदर रखने जाती है तो देखती है कि किसी ने उस कमरे को वापस उसके स्टूडियो में बदल दिया था, जिसे देख के वो काफी खुश हो जाती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि लॉरा वहाँ उसके और एलियट के नाम को हर जगह देखती है, और तभी उसे जेमी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुन के वो जल्दी से उसके पास जाती है जो जमीन पर गिरा हुआ था, जहाँ वो लॉरा को बताता है कि एलियट यहीं पे था। ये सुन के लॉरा बाहर जाती है, जहाँ एलियट उसके सामने आता है वो लॉरा को धमकाने लगता है और ग्रेग को छोड़ने को कहता है, लेकिन जब लॉरा नहीं मानती तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन जब जेमी वहाँ आ जाता है तो ये देख के एलियट अभी के लिए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रात में लॉरा एलियट के ऊपर रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि उसने इससे पहले भी एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जहाँ अगले दिन वो उस लड़की के घर जाती है जो उसे बताती है कि एलियट ने उसकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया था और जो उसने उसकी माँ के साथ किया वो सुन के तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। वही एक तरफ जब एक लड़की चल रही थी तो तभी उसका नेकलेस पानी में गिर जाता है, और जब वो उसे ढूंढती है तो तभी पानी में उसे हिना की लाश दिखती है। ये देख के वहाँ सभी लोग पुलिस को बुलाते हैं और देखते ही देखते ये खबर सभी चैनलों पर फैल जाती है। जहाँ अपने घर पे जब ग्रेग फोन पर बात कर रहा था तो तभी पीछे से एलियट वहाँ आके उसे बेहोश कर देता है और उसका अपहरण कर लेता है। आंखें खोलने पर ग्रेग उसकी नाव में बंधा हुआ था, और जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो तभी एलियट वहाँ आ जाता है और उन दोनों की हाथापाई में ग्रेग फिर से बेहोश हो जाता है। वही एक तरफ लॉरा मीरा को एलियट की सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि एलियट ने ही ग्रेग को किडनैप किया है। जिसके बाद वो एलियट की पसंदीदा बेकरी में जाती है, जहां एक बूढ़ी औरत से बात करने पर उसे पता चलता है कि बचपन में एलियट अपनी माँ के साथ ही रहता था, जहां उसकी माँ को कभी एक वफादार पति नहीं मिला, जिसके चलते एलियट ऐसा है जहां एक दिन उसका पागलपन इतना बढ़ गया कि उसने अपने घर को आग लगा दी जिसमें उसकी माँ भी मर गई। जहां आज सुबह उसने उस औरत को बताया था कि वो जल्द ही एक विधवा से शादी करने वाला है, और ये सुन के लॉरा परेशान हो जाती है कि कहीं एलियट ग्रेग को मार ना दे। जिसके बाद जब वो घर आती है तो देखती है कि वहाँ एलियट उसका इंतजार कर रहा था, जहाँ वो लॉरा को घसीट के एक कमरे में ले जाता है, और यहाँ अपनी जान बचाने के लिए वो एलियट से झूठा प्यार का इजहार करती है और कहती है मैं तुम्हारी हूँ। जिसके बाद वो दोनों नीचे आते हैं जहाँ डिनर टेबल पर जेमी बंधा हुआ था। ये देख के लॉरा उससे कहती है कि तुम्हें एलियट की हर बात माननी होगी। जहाँ डिनर करने के बाद कमरे में एलियट लॉरा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है कि
तभी जेमी वहाँ आ जाता है और ये देख के एलियट को अपने बचपन वाली बात याद आ जाती है, जिससे वो इमोशनल हो जाता है और इसका फायदा उठा के लॉरा उस पे हमला करके वहाँ से जेमी के साथ भागने लगती है। लेकिन तभी एलियट पीछे से आके लॉरा को पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके उसकी नाव पे ले जाता है। यहाँ जब लॉरा को होश आता है तो वो चुपके से एलियट पर हमला कर देती है और फिर ग्रेग की मदद करने के लिए किसी को मदद के लिए बुलाने लगती है कि तभी एलियट फिर से उसे पकड़ लेता है। और यहाँ जब लॉरा उसे धक्का मारती है तो एलियट नीचे गिर जाता है और उसके सर में गहरी चोट आ जाती है, जिसके चलते वो वही मर जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉरा फिर अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।